पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान बनाकर दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान में हालात वो नहीं जो तुम लोग समझते थे। मेड इन पाकिस्तान। आज ये तहरीर पढ़कर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर खुशी हो रही। करंट अकाउंट डेफिसिट लोग कहते थे कि इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है। ना भाई ना, अब एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होने जा रही है और किसी से कम नहीं होगी। एक वक्त था कि पाकिस्तान में बुज़ुर्ग माँ बाप अपने जवान बच्चों के लाशें उठाने पर मजबूर हो गए थे। हर जगह बम धमाके होते थे, लोग घरों से बाहर जाते हुए डरते थे और जो बाहर के मुल्क रहते थे वो पाकिस्तान आते हुए डरते थे कि यहाँ पर कहीं भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। 70,000 जाने पाकिस्तान ने 70,000 जाने कुर्बान की हैं और फिर जाकर यह अमन हासिल किया है। इस अमन की कीमत हमने बहुत बड़ी चुकाई है, खून की शक्ल में चुकाई है। हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने कुर्बानियां देकर इस अमन को हासिल किया है और पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान बनाकर दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान बदल चुका है। पाकिस्तान में हालात वो नहीं जो तुम लोग समझते थे। मेड इन पाकिस्तान। आज ये तहरीर पढ़कर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर खुशी हो रही। करंट अकाउंट डेफिसिट लोग कहते थे कि इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है। ना भाई ना, अब एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होने जा रही है और किसी से कम नहीं होगी। ये मेड इन पाकिस्तान है जनाब, मेड इन पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। आज मेड इन पाकिस्तान की सोच के हवाले से बात करें, वो सोच जो दो नंबर बातों के अंदर ढलती थी कि तू पाकिस्तानी है ना, तो तभी तेरे जहन में मिलावट शुदा इस तरह की चीज़ें आती। लेकिन आज स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में एक सोच ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि बी स्मार्ट। तुम्हारे पास स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, स्मार्ट टेलीफोन्स हैं, स्मार्ट LEDs हैं, हमारे पास भी स्मार्ट माइंड है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके कोरोना को रोक दिया है और आज एक्टिव केसेस की तादाद देखें आप, सेहत याब मरीज़ कितने ज़्यादा हैं और एक्टिव केसेस उनके मुकाबले में कम हैं और रेशो सेहत याब मरीज़ों की बहुत ज़्यादा है और जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनकी भी रेशो दिन ब दिन तादाद में कमी आती जा रही है, जो कि एक खुशी की बाइस है। और मेड इन पाकिस्तान जो है किसी से कम नहीं है। और मेड इन पाकिस्तान में PPEs की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया घबराई हुई थी, मास्क नहीं मिल रहे थे, हैंड सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा यार बहुत वक्त हो गया, हम कब से मांग रहे हैं, अब मांगना छोड़ देंगे, मेड इन पाकिस्तान बनाएंगे। मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE सब कुछ पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। शू कवर हो या फिर गॉगल्स, सब कुछ पाकिस्तान में बनेगा और पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट भी करेगा। N95 मास्क जो कि कहा जाता था बहुत महंगे हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में ही बनना शुरू हो गए हैं। और बैनुल अक्वामी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान को $100 मिलियन का एक ऑर्डर भी मिला है। अब ये तादाद बढ़कर $500 मिलियन से आगे बिलियंस डॉलर में भी जाएगी और इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के PPEs हैं, मेड इन पाकिस्तान है और मेड इन पाकिस्तान किसी से कम नहीं है और ये बात सबको पता चल चुकी है। फिर सब लोग परेशान थे। पाकिस्तान में कुल 2500 वेंटिलेटर थे पूरे पाकिस्तान में, सांस कैसे दिलवाना है कोरोना के पेशेंट को। सारी दुनिया घबराई हुई थी, सारी दुनिया अपने पेशेंट्स को बचाने के लिए वेंटिलेटर्स बना रही थी और दुनिया में ममालिक भी कम है जो वेंटिलेटर्स बनाए। पाकिस्तान ने स्मार्ट तरीके से वेंटिलेटर्स बनाने का आगाज़ किया, एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इंडस्ट्री बनी और पूरी दुनिया को बताया कि वेंटिलेटर्स हम भी बना सकते हैं। और पाकिस्तान अब योमिया 200 से 300 वेंटिलेटर्स अपने मुल्क में तैयार कर सकता है। सेहत के ऊपर फोकस हो रहा है और तब्दीली भी आ रही है, क्योंकि सब कुछ मेड इन पाकिस्तान। जो फिर क्या, यहाँ पर लोकस्ट आया, पूरी दुनिया को तंग किया, भारत में भी लोकस्ट था और लोग बाजे बजाते, साथ साथ ढोल बजाते लोकस्ट को भगा रहे थे कि टिड्डी दल का हमला आया है, अजनास की कमी हो सकती है। पाकिस्तान ने कहा सोचते हैं, पाकिस्तान ने सोचा
और फिर पाकिस्तान ने ऐसे ड्रोन्स बनाए जो मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स थे। और इन मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स की ख़ास बात यह है कि ये फसलों में जाकर ड्रोन की शक्ल के अंदर स्प्रे करता है और उस जगह को फाइंड आउट भी करता है जहाँ पर कीड़ा लगा हुआ है और स्प्रे की ज़रूरत भी है। और 16 लीटर तक ये 15 मिनट तक ये स्प्रे कर सकता है। अब मेड इन पाकिस्तान लोकस्ट है, लेकिन हमारे पास अब ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स बनेंगे पाकिस्तान में और मैकाट्रॉनिक्स की सनत पाकिस्तान में और ज़्यादा तरक्की करेगी। सब कुछ मेड इन पाकिस्तान हो रहा। आज बर्तानिया, बेल्जियम, फ्रांस में बिकने वाला मास्क जिस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, देखकर दिल की खुशी होती है। अब मेड इन पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।